हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम था, आप सभी को पता ही है, और उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से गया होगा। आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं अभी ड्यूटी में हूँ, आपको बैकग्राउंड से ट्रेन की आवाज़ें आ रही होंगी। मैं बस जितना हो सके, अभी जितना पॉसिबल हो सके, मैं क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ ताकि आप जो भी अटेम्प्ट करके आए हैं एक बार मैच कर लें और एक बार आप सुनिश्चित कर लें कि आपका कौन कौन सा सही हो सकता है। मैं एग्जैक्ट करेक्ट आंसर जो है, ज़्यादातर आंसर करेक्ट होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है उसके आंसर हो सकता है बोर्ड कुछ और ले ले, तो मतलब पॉसिबल आंसर जो है मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप मैच करिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कंप्यूटर का, आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं कंप्यूटर का एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, कंप्यूटर के आंसर बताता हूँ, आप उसको मैच करिएगा और लास्ट में कमेंट करिएगा कि 30 में से आपका कितना सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित का मिलान करें, इसमें आपको मैच करना था कि कौन सा किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, मतलब वीडियो का हम क्या बोलते हैं, वीडियो मतलब दृश्य कहानी कहना होता है ना, मतलब वीडियो क्या कहता है, विजुअल स्टोरी टेलिंग होता है, तो बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद सी, जो मूल पार्ट होता है, टेक्स्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रलेखन या फिर डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, तो सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। तो दूसरा प्रश्न जो है, कल ही मैं इसको कंप्यूटर वाले क्लास में मतलब कई बार समझा चुका हूँ कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू में जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जो होता है, ठीक है, ALU जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली जितना भी कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है वो उसको हैंडल करता है। ठीक है, तो ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जोड़ और घटाव संचालन करने का काम करता है। तीसरा प्रश्न है आप सभी के लिए यहाँ पे, तीसरा प्रश्न है इसको थोड़ा और, हाँ ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये ईमेल से संबंधित है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 3 जो है सही है। ईमेल का जो 2 फील्ड होता है ना, जिसमें आप जितना चाहे उतना ईमेल एड्रेस को आप मेंशन कर सकते हैं, आप जितने लोग को भेजना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला गलत होगा क्योंकि 2 और CC दोनों फील्ड में एक ही एड्रेस को नहीं डाला जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। ईमेल में BCC फील्ड में प्राप्तकर्ता के लिए ईमेल के प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। तो एक और तीन मतलब सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर है, जो कि आपसे बोला कि मेमोरी माप की जो इकाइयाँ होती हैं उनको अवरोही क्रम में, ठीक है, उनको अवरोही क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है। तो सबसे पहले इस पांचों ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए, गीगाबाइट सबसे बड़ा हो जाता है, गीगाबाइट के बाद हमारे पास आ जाता है मेगाबाइट, ठीक है, ई के बाद सी, मेगाबाइट के बाद आ जाएगा किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आ जाएगा बिट, बिट के बाद आ जाएगा निपल, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए पांचवा प्रश्न को इसको भी ध्यान से मैच करिएगा। आज के क्वेश्चंस में बहुत सारा जो क्वेश्चन है कूट पर आधारित दे दिया। 5 है कि वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सही क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं वीडियो को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्यूटी में हूँ और मेरे पास जो पेन टैबलेट है वो भी नहीं है जिससे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, बस मैं यहाँ पे मोबाइल का यूज़ करके ही मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर में जब भी आपको मेल मर्ज करना होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, और इसका आंसर हम बोर्ड के द्वारा देखेंगे क्या होगा, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी इससे पहले के जो चारों प्रश्न हैं बिल्कुल सही थे, चलिए अब बढ़ते हैं छठवां प्रश्न में। छठवां प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से CD/DVD का सामान्य उपयोग कौन सा है, ठीक है, ऑडियो विजुअल संग्रहण में, लाइव स्ट्रीमिंग में, वेब ब्राउजिंग में, या फिर त्वरित संदेश भेजने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो CD/DVD होता है उसका हम यूज़ करते हैं जनरली, ऑडियो वीडियो स्टोरेज के लिए हम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन से, ठीक है, यूट्यूब का सही उपयोग क्या होना चाहिए। वीडियो स्ट्रीमिंग होता है क्या, बिल्कुल होता है, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड कर सकते हैं, हाँ मैं भी वीडियो अपलोड करके ही आपको पढ़ा रहा हूँ, लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ईमेल नहीं भेज सकते, ऑप्शन नंबर डी मतलब डी कथन जो सही नहीं है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ABC वाला, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उम्मीद है आपका भी ये सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आठवां प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां है आप सभी के लिए यहाँ पे, थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चंस को अच्छे से मैं दिखा सकूँ। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्प का सही चुनाव करें। कथन है कि अल्टा विस्टा
एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है। कारण में जाते हैं, अल्टा विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। तो ये दोनों के दोनों कथन जो है आपको बिल्कुल सही लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कि एज मतलब जो कथन है और कारण दोनों के दोनों सही है, और लेकिन जो ये कारण है उसका सही तरह का सही तरीके से स्पष्टीकरण नहीं है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न जो है कि जो इंकजेट प्रिंटर है उसकी मुद्रण गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब इसका जो स्पीड होता है उसको किस में मेजर करते हैं, पैराग्राफ प्रति मिनट, लाइन प्रति मिनट, शब्द प्रति मिनट या फिर पेज प्रति मिनट, किस में हम मेजर करते हैं आपको बताना है। तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पेज पर मिनट, पीपीएम में इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो नौवां प्रश्न हो गया। चलिए दसवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के लिए यहाँ पर। दसवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस का है, ठीक है। चारों विकल्प में से कौन जो है जो केवल इनपुट डिवाइस को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4, ठीक है। क्योंकि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन सभी के सभी इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि नीचे दिए गए प्रश्नों को फिर से कथन और कारण वाला इसमें देना है। पहला कथन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने के लिए सक्षम बनाता है, ठीक है। Ubuntu एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जाएंगे तो जो कथन है अभी कथन बिल्कुल सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि Ubuntu जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि AS, मतलब कथन जो है बिल्कुल सही है लेकिन कारण बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS Excel के अंदर खाली सेल्स को काउंट करने के लिए किया जाता है, काउंट फिर ब्रैकेट, काउंट ए ब्रैकेट, काउंट ब्लैंक ब्रैकेट या फिर काउंट एम्प्टी ब्रैकेट। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लेना है, ठीक है। एम्प्टी सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फिर ब्रैकेट को सेलेक्ट किया जाता है, ये उसके फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या होता है, प्रस्तुतियां करना मतलब प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, केवल पाठ दस्तावेज करना, फोन कॉल करना या स्केच करना, बताना। तो इस चारों विकल्प के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट सुटेबल जो ऑप्शन नंबर है प्रस्तुतियां बनाना या फिर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसके अंदर हम ऑडियो वीडियो इमेजिंग सब चीज़ को हम मिला लेते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको एकदम से जूम आउट करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी हमको मैच करना है, इसको भी पहले मैच कर लेते हैं फिर ऑप्शंस की ओर चले जाएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो आपको करना चाहिए क्या कि जो डिजी लॉकर, आप सभी को पता होगा सबसे कॉमन चीज़ है डिजी लॉकर, क्या किया जाता है इसके लिए दो सही होगा कि जो नागरिक होते हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जितने भी लेटर्स वगैरह होते हैं उसको ऑनलाइन संग्रहित करने के लिए काम आता है। तो बस एक ही विकल्प से अपना आंसर बन जाए डी का, दो अगर ऑप्शन देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए डी का दो कहाँ पे दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, आप यहाँ पे आसानी से इसका टिक मार सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। स्टैटिक रैम, पहला विकल्प है, कथन है कि स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है। दूसरा है स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है। तीसरा है स्टैटिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है। और चौथा है डायनेमिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है। इसमें से बताना है कि कौन कौन सा कथन जो है सही है। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लेंगे, ठीक है, कि दूसरा जो स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है और ज़्यादा स्पीड भी होता है, ठीक है, ये दूसरा कथन सही है। इसके बाद जो स्टैटिक रैम के अंदर कैपेसिटर नहीं लगे होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब चौथा कथन डायनेमिक रैम में कैपेसिटर लगे होते हैं। तो 2 और 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16-17 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि 16वां है कि सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन है। जो गूगल सर्च इंजन है ना वो अल्फाबेट इंक जो है ये ऑनिंग कंपनी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकारों में सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा स्पीड किसके अंदर होता है, कैश मेमोरी के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
18 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूँ, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बट आपको आंसर मैच करना है 30 में से आपका कितना सही हो रहा है। 18 नंबर का प्रश्न है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स का ज़रूरत होता है, किस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, उसको हमको यहाँ पे अरेंज करना है। तो मैं 18वां का आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 18वां का ए कि सबसे पहले हमको वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना पड़ता है, फिर हमको फाइल में जाके इन्फो सेलेक्ट करना पड़ता है, इसके बाद हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, इसके बाद एनक्रिप्ट एंड पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, और लास्ट में हम पासवर्ड टाइप करके पासवर्ड कन्फर्म कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किया जाता है, बताना। तो ऑडियो सीडी भी यूज़ किया जाता है सीडी डीवीडी के लिए, डीवीडी रोम भी यूज़ किया जाता है, और सीडीआरडब्ल्यू, ठीक है, मतलब एक ए बी डी तीनों का किया जाता है, ब्लू रे का नहीं, ठीक है। ब्लू रे एक कंपनी है कह सकते हैं जो कि सीडी बनाता है, तो ए बी और डी इसका पॉसिबल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 20वां प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे है, 20वां 21वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। फेडोरा कॉमर्शियली लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। और वैसे भी एमएस एक्सेल जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है इसका समझ में आ गया होगा। 21वां प्रश्न है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, अवास्ट है, नॉर्टन है, बिट डिफेंडर है, सोलारिस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। सोलारिस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 है कि सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। तो इसको भी बहुत आसानी से आप इसका जोड़ी मिला सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप आराम से बता सकते हैं कि 2 KB जो है ये 2 की घात 11 होता है, ठीक है। अब जो ऑर्डर में ये है ना, हमको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे चारों में जाएंगे तो के बी होता है, के बी के बाद एम बी होता है, फिर जी बी होता है, फिर टी बी होता है। आप ऑप्शंस को भी उसी हिसाब से मैनेज कर लीजिए, छोटे से बड़े की ओर अकॉर्डिंग टू अरेंज हो जाएगा। के बी 2 की घात 11, एम बी में जाएंगे तो 2 की घात 20, ठीक है, जी बी में जाएंगे तो 2 की घात 30, और टी बी में जाएंगे तो 2 की घात 40। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है 22वां का। 23वां नंबर का प्रश्न और 24वां प्रश्न है यहाँ पे, हाँ, 23वां प्रश्न है कि अल्टा विस्टा का उपयोग किस लिए किया जाता है, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, इंटरनेट पर खोज करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, या फिर संगीत बजाने के लिए, किस लिए मेन रूप से जो अल्टा विस्टा है उसका यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेट पर खोज करने के लिए ही किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि गूगल पर खाता बनाने के लिए, मतलब जीमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना होता है, ये जनरली सबको पता होता है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसको आप अच्छे से मैच कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी तो शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, बट आपको आवाज़ यहाँ पे बता दूँ, 24 का ऑप्शन नंबर डी, हालांकि यहाँ पे टिक तो कर ही रहा हूँ, आपको समझ में आता है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का प्रश्न है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य को छुपाता हो प्रतीत होता है लेकिन दूसरे कार्य को छिपा लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, किस तरह का वायरस होता है, तो एक ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, जो एक्चुअल जो काम कर रहा होता है उसको छुपा लेता है लेकिन दूसरे काम को यहाँ पे दिखा रहा होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर का प्रश्न, 26वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन और कारण में सही विकल्प चुनना है, ठीक है। कथन है कि इनपुट डिवाइस का मुख्य उपयोग उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है, नहीं प्रदर्शित करना नहीं होता, वो आउटपुट डिवाइस का काम होता है, ये इनपुट दिया जाता है, तो कथन जो है गलत है। बी कारण है कि कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को डाटा दर्ज करने के लिए किया जाता है, मतलब अभी कथन गलत है और कारण सही है, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, ठीक है। अभी कथन गलत है और कारण बिल्कुल सही है, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, 27वां प्रश्न है कि दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते हुए क्रम में बताना, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि कौन ज़्यादा एक्सेस समय लेता है। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे कम समय कैश मेमोरी लेता है, तो सबसे पहले आपको सी मिलेगा, बस यहीं पे आपको आंसर मार देना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे कम समय कौन लेता है, कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इसको आप टिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, 28वां प्रश्न है कि यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए आपको सही चरण किस तरह से प्रयोग करना है, तो आप सभी को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले YouTube पर जाएंगे और उसके सर्च बार में क्लिक करेंगे, ठीक है,
मतलब सबसे पहले YouTube को खोलेंगे और फिर हम क्या करेंगे, YouTube पर सर्च बार में क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपको खोज करना उसको आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी परिणाम आएगा उसको क्लिक करने के बाद वीडियो देखना शुरू करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है, लाइकोस, बिंग, ममा और रेड हैट। तो लाइकोस भी एक सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, ममाज भी सर्च इंजन है, रेड हैट सर्च इंजन नहीं है, वो एक कंपनी है। मतलब 1, 2, 3 कहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही से टिक कर दिया हूँ। ठीक है, 30वां और आखिरी प्रश्न है कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 30 प्रश्नों का यहाँ पे मैं जैसा पॉसिबल हो सका मैंने सॉल्यूशन बताया। आप इसको मैच करिए और कमेंट करिएगा कि 30 में से आपका कितना सही होता है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और का आंसर लाऊंगा। आज तो पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कल जरूर मैं सॉल्यूशन लाऊंगा, फिर मैच कर लीजिएगा। इसमें इतना ही, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।